स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए जानते हैं आज की ताजा 25 खबरें। आज भारत बंद के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। दोनों नेताओं के बीच कृषि कानूनों पर चर्चा। आम आदमी पार्टी का आरोप, दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल को किया नजरबंद, दिल्ली पुलिस ने किया इनकार। किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे एक दिन के अनशन पर अहिंसा की करी अपील। किसानों ने NH-24 को किया जाम, दिल्ली मेट्रो ने बंद किया एक स्टेशन। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा कि मोदी जी किसानों से चोरी करना बंद करो। पंजाब में असरदार रहा किसानों का बंद, 3 बजे तक चक्का जाम के साथ 3,470 पेट्रोल पंप भी नहीं खुले। किसान आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत, तेज ठंड की वजह से हुई किसान की मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी का खुलासा, COVID-19 टीकाकरण में होगा मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कोरोना की रफ्तार घटी, बीते 24 घंटों में मिले 26,567 संक्रमित। भारत बायोटेक ने भी मांगी COVID-19 टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी, कंपनी ने केंद्रीय औषधि नियामक में किया आवेदन। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक शुरू, नींव का काम शुरू करने पर हो सकता है निर्णय। पोखरण फायरिंग रेंज से बच्चे ने उठाया बम, छेड़छाड़ के दौरान बम फटने से गई बच्चे की जान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के करीबी के बेटे का कूलर के तार से दोस्त ने घोटा गला, 37 घंटे छिपाकर रखी लाश। छत्तीसगढ़ में मूक बधिर युवक ने टावर पर चढ़कर लगा दी छलांग, 20 घंटे तक हवा में लटका रहा शव। छत्तीसगढ़ में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में 8 गिरफ्तार, 4 आरोपी नाबालिग। बिहार में शराबबंदी के बावजूद SDO की गाड़ी से शराब जब्त, लगभग 47 कार्टन शराब हुई बरामद। सोनीपत में मंगलवार तड़के मुठभेड़, स्पेशल टास्क फोर्स ने राजा रंचो गैंग के सरगना सहित 3 बदमाश धरे। कश्मीर में बर्फबारी की वजह से पर्वतीय इलाकों में बिछी सफेद चादर, तापमान में भारी गिरावट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस किसानों को भ्रमित करके अपनी राजनीति चमकाने का घृणित प्रयास कर रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में दी बड़ी जिम्मेदारी, चुनावी कार्य के लिए 4 दिनों के प्रवास पर पहुंचे पश्चिम बंगाल। नए कृषि कानून के विरोध में आज भारत बंद, भोपाल में कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन, नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग। किसानों के भारत बंद को भोपाल के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मिला समर्थन, गोखता नगर ट्रांसपोर्ट पर एसोसिएशन के पदाधिकारी सड़क पर उतरे। किसानों के भारत बंद आह्वान का असर अशोकनगर में भी दिखा, व्यापारियों ने किसानों के समर्थन में बंद रखी दुकानें। 30 पर घमासान के बीच शिक्षा निदेशालय ने तलब किए निजी स्कूलों के प्रिंसिपल। लॉकडाउन के दौरान हुई फीस वसूली को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना। मुकेश अंबानी का ऐलान, 2021 में 5G लॉन्च करेगा रिलायंस जियो।